उपेंद्र कुशवाहा को अगर कुशवाहा समाज की इतनी चिंता है तो केंद्र सरकार से कहकर पूरे देश में जाति जनगणना करा ले, हम सभी मान जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा भाजपा और एनडीए के साथ मिलकर कुशवाहा जाति को बेचने का और दलाली करने का काम कर रहे हैं। उक्त बातें कुशवाहा समाज से राजद विधायक डेहरी विधानसभा के फतेह बहादुर सिंह ने कहा। वह एक नेत्र जांच शिविर कार्यक्रम में पहुंचे थे। आइए सुनते हैं उन्होंने कुशवाहा समाज को लेकर क्या कहा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जातीय जनगणना हुई है, जहां कुछ लोग इसको सही मान रहे हैं, कुछ गलत भी मान रहे हैं, और कुशवाहा समाज के भी कुछ नेता हैं जो कह रहे हैं कि कुशवाहा समाज को कम दिखाया गया है। क्या मामला है, आप क्या कहेंगे? कुशवाहा समाज का कौन नेता है जो नहीं मान रहे हैं, थोड़ा हमको एक्सप्लेन करें। सम्राट चौधरी का भी बयान था और उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं। मैं उन लोगों से उपेंद्र कुशवाहा जी और सम्राट चौधरी जी को मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोग कहाँ हैं और किसके साथ खड़े हैं। जहाँ खड़े हैं उन लोगों को चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री उन्हीं के साथ हैं। अगर हमारे जातीय जनगणना जो हुआ है, आदरणीय लालू जी और नीतीश कुमार जी करवाने का जो काम किए हैं, अगर इनको लगता है कि आंकड़ा गलत है तो भारत के प्रधानमंत्री से करवा ले देश स्तर पर जनगणना। और हम अमर शहीद जगदेव प्रसाद के वंशज हैं, हम और अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी कभी मतलब जातिगत बात नहीं किया है। उन्होंने 90 का बात कहा है और हमारी लड़ाई 90 का है। इस जातीय जनगणना से स्पष्ट हो गया है कि जब 10% वाले को 10% आरक्षण तुमने दे दिया है तो 90% वालों को 90% दे दो। और उपेंद्र कुशवाहा साबित क्या करना मतलब चाहते हैं, वो कुशवाहा के लिए उन्होंने मतलब किया ही क्या? सारे कुशवाहा को डक बंगला चौराहा पर लाठी डंडा से पिटवा दिया और पिटवाने के बाद फिर ले जाकर के मतलब सबको मतलब बेच दिया, अपना जमीन बेच दिया एक MLC के लिए। वैसे व्यक्ति का बात मतलब कर रहे हैं आप, और वैसे व्यक्ति के बाद में कोई समाज के लोग आने वाले नहीं है। सारे 90% के लोग इस जनगणना से खुश हैं और जाग चुके हैं। अब देखिए ना, वो जिसके साथ खड़े हैं राष्ट्रीय सचिवालय में OBC SC ST का संख्या कितना है? 5% भी नहीं है। अरे कहे ना उसको कि भाई हमारी आबादी 90% है, हर जगह 90% हमें दे। और अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने तो कहा था कि धन धरती और राजपाट में 90% हमारा है। आज हम कहाँ हैं? अभी आर्थिक सर्वे भी आना बाकी है। पूरे देश के 90% संपत्ति पर 10% वालों का अधिकार है। हमारी लड़ाई वहां है कि 90% वालों को धन धरती राष्ट्र धन धरती जमीन जायदाद सत्ता पर सबक पर 90% वालों को 90% का हिस्सेदारी चाहिए। उसी के तहत जनगणना हुआ है और यह जनगणना जो है देश स्तर पर, जैसे जो लोग नरेंद्र मोदी जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो कर क्या रहे हैं, एक कुल्हाड़ी के रूप में पूरे OBC SC ST के लोगों को काटने का काम कर रहे हैं और कटवाने का काम ऐसे दलाल लोग कर रहा है जो उनके साथ बैठा हुआ है, जो कुल्हाड़ी में मतलब बेट का काम कर रहा है। तो अभी जो 24 में चुनाव आने वाला है ना, पूरे देश के OBC SC ST के लोगों ने मूड बना लिया है कि सबसे पहले जब कुल्हाड़ी में जो बेट OBC SC ST का है उसको जला कर तो हम खा करेंगे, और जब वो चल जाएगा